पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यस, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल कवर स्पेसिफिकली द टू की एस्पेक्ट्स दैट इज स्किल्स वर्सेस कॉम्पिटेंस। ठीक है, यस सर। तो यहां पर क्या होगा, पर्सनालिटी, कॉन्शसनेस एंड कॉम्पिटेंस, ये तीन स्पेसिफिक टर्म होगा जिसको हम लोग यूज करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द टर्म पर्सनालिटी। व्हाट इज दिस? द विजिबल एस्पेक्ट ऑफ वन्स कैरेक्टर एज इट इम्प्रेसेस अदर्स। ठीक है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। सो हर किसी का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है ना? नाउ जो पर्सनालिटी टर्म है, पर्सनालिटी टर्म बना है किस चीज से? परसोना से। सुना है परसोना साबुन का नाम है? नहीं सुना है। ओके, सो पर्सनालिटी जो टर्म है दैट इज derive from the keyword that is persona. मास्क होता है ना? हेलो no. हाँ स्टूडेंट्स, तो परसोना की जब बात कर रहे हैं तो परसोना मीनिंग मास्क, जो मुखौटा होता है ना? यस सर। ठीक है, तो होता क्या है कि एज ए पर्सन आप जब जिस एनवायरनमेंट में जाते हो उस एनवायरनमेंट में आपके फेस पे वो मुखौटा होता है। When you are there along with your friends, तो आपका फेस पे जो जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं वही एक्सप्रेशन आपके पेरेंट्स के सामने में होता है? Yes, sir. वही होता है। पेरेंट्स के सामने बैठे हो और फ्रेंड्स के बगल में बैठे हो, दोनों में जो एक्सप्रेशन होता है, जो nice, जो आपका बिहेवियर होता है, दोनों सेम होता है, डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है सर। डिफरेंट होता है। वही चीज अगर आप किसी इंटरव्यू रूम में बैठे हो तो क्या होगा, आपका जो एक्सप्रेशन और बिहेवियर होगा सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट सर, डिफरेंट होगा ना। तो क्या हो रहा है कि आपका जो बिहेवियर, आपका जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट वेरीज। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी जो है वो पर्सोना से बना है, मतलब ये आपके फेस पर मुखौटा है। ठीक है, वो मुखौटा कभी फ्रेंड का होता है, कभी चाइल्ड का होता है, ठीक है, कभी इंटरव्यूवी का होता है। कल को आगे जाके आप इंटरव्यू लोगे तो आप इंटरव्यूअर का मुखौटा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपकी पर्सनालिटी भी उसी हिसाब से चेंज होती है, दैट इज पर्सोना। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, द विजिबल एस्पेक्ट ऑफ वंस कैरेक्टर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटेड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट इज योर पर्सनालिटी। Is it okay so far? Hello. Yes, sir. It is okay. Yes, okay. Sir. Chalo. Now, here you have got a term called conscious. Conscious meaning you are aware of and responding to one's surrounding. जो अभी हमने persona की बात की, तो आप क्या कर रहे हो
कि जो आपकी सराउंडिंग्स है उसके हिसाब से यू आर रेस्पॉन्डिंग, दैट इज योर कॉन्शसनेस। इज इट ओके? यस सर। और हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, नाउ यू हैव गॉट द टर्मिनोलॉजी एज कॉम्पिटेंस। कॉन्सियसनेस ठीक हो गया? कॉन्सियस वर्ड से यस बनेगा कॉन्सियसनेस, सर। ठीक है? नाउ व्हाट कम्स इज द टर्मिनोलॉजी एज कॉम्पिटेंस। दिस इज द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और इफिशियंटली, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड स्किल्स। ये जो कॉम्पिटेंस है, ये जो कॉम्पिटेंस है, इसके साथ देर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड, दैट इज कॉल्ड स्किल्स। यस सर। स्किल्स, यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। राइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल्स एंड द कॉम्पिटेंस? स्किल भी वही है, इट इज वेरी सिमिलर टू कॉम्पिटेंस, राइट? द एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क सक्सेसफुली इज अ स्किल्स। द एबिलिटी लिखना, तो एक ये लिख लो, बी सर आप डिक्टेट कर दीजिए, मत लिखिए। हो जाएगा। द एबिलिटी टू परफॉर्म, टू परफॉर्म द एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क, यस सर सक्सेसफुली यस सर सक्सेसफुली यस सर इज ए स्किल्स। यस सर ठीक है, अब बताओ कि स्किल्स और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कॉम्पिटेंस का भी डेफिनेशन ऊपर में लिखा हुआ है, सर सेम ही है। सेम है, राइट। नाउ दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट योर जॉब, व्हेन यू टॉक अबाउट कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप अगर ऑफिस में जा रहे हो, एक अकाउंटेंट का जो स्किल है, अकाउंटिंग स्किल, रिमेंबर जो हार्ड स्किल्स की बात हम लोगों ने की थी, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल क्लास में डिस्कस करा था ना, राइट? जो अकाउंटेंट की स्किल है, राइट, तो अकाउंटेंट की हार्ड कोर स्किल, उसकी बेसिक स्किल क्या होगी? अकाउंट्स की नॉलेज, कंप्यूटर प्रोग्रामर की, कंप्यूटर की नॉलेज। नाउ दीज नॉलेज आर नथिंग बट कॉम्पिटेंस। लेकिन अगर एक अकाउंटेंट इज ए वेरी गुड सिंगर, इन दैट केस द सिंगिंग इज नॉट द कॉम्पिटेंस, सिंगिंग इज द स्किल्स। यस सर। ठीक है, और एक सिंगर के लिए कौन सा स्किल होगा, कौन सा कॉम्पिटेंस होगा? सिंगिंग सर। सिंगर के लिए सिंगिंग, एक सिंगर होगा सर उसका वोकल कॉर्ड। सिंगर के लिए सिंगिंग स्किल्स कॉम्पिटेंस होगा उसका,
राइट right? और अगर उसको बहुत अच्छे कंप्यूटर की नॉलेज है तो दैट विल बी अ स्किल्स। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको इस पे स्ट्रेस डाला है बिकॉज द मोमेंट यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ जॉब, आप जब कोई जॉब ले लेते हो, आज आपने बीसीए कर लिया, ठीक है, बीसीए करने के बाद में आपने जावा सीख लिया, आपने बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग सीख लिया, .NET सीख लिया, सारा कुछ सीख लिया एंड यू हैव गॉट ए जॉब, ठीक है। यस सर। ठीक है, ऑल दीज आर कॉम्पिटेंस फॉर यू, आपने आपको जॉब मिल गया, दिस इज कॉम्पिटेंस। नाउ आफ्टर 1 ईयर व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से जो लड़का बीसीए करेगा उसमें एक कोर सब्जेक्ट होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट राइट सर। ठीक है, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे भी सारा चीज शिफ्ट हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग पे। इज इट ओके? अब अगर आपके पास में सिर्फ जावा और .NET का स्किल होगा, जो जावा और .NET आपने सीखा है, उस पे आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो वाला नॉलेज आपका स्किल रह जाएगा, वो कॉम्पिटेंस नहीं होगा। इसका मतलब उस जॉब में सर्वाइव करने के लिए, उस जॉब में कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सीखना होगा, राइट और क्लाउड कंप्यूटिंग जब आप सीखोगे दैट विल बी योर कॉम्पिटेंस। और अगर आप नहीं सीखते हो तो एक जूनियर स्टूडेंट जो आपके पास से आएगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग में बोलेगा मेरे पास, मुझे तो आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो कंपनी क्या करेगी, किसको रखेगी, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले को रखेगी या जावा वाले को रखेगी? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कंपनी में कंपीट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, जो वहां पे कंपीट कंपटीशन में जो रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बिकम कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस भी स्किल्स ही है, बट दैट इज ए स्पेशल स्किल टू कंटिन्यू और आउट परफॉर्म इन द जॉब। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। हाँ हाँ, चलो। नाउ ये जो कॉम्पिटेंस है, ये जो कॉम्पिटेंस है दैट कम्स इन 4 phases, दैट कम्स इन 4 phases। एक टर्म देखो हमने यूज किया है, कॉन्सस, है ना? यस सर। और एक टर्मिनोलॉजी यूज होगा, अनकॉन्सस, अनकॉन्सस, ठीक है? यस सर। अनकॉन्सस का मतलब क्या होगा? कॉन्सस का मतलब क्या था? अवेयर ऑफ एंड रेस्पॉन्डिंग टू वन सराउंडिंग्स। यस सर। ठीक है, अनकॉन्सस का मतलब क्या होगा? नॉट अवेयर और अनअवेयर। यस सर। ठीक है, तो अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स दैट विल बी अनकॉन्सियस, अनकॉन्शियस, लाइक ए पेशेंट सर आफ्टर एक्सीडेंट। यस, लाइक ए पेशेंट अनकॉन्सियस। तो अब जो आपके पास में कॉम्पिटेंस होता है, ठीक है, वो दैट स्टार्ट्स विथ अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, यस सर। अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस, अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या होगा कि आपके पास में जो इनकॉम्पिटेंस है, जो चीज आप नहीं जानते हो उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आज तो आप अगर आपके प्रोग्रामिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, राइट right?
या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कम नॉलेज है, आपने सोचा कि यार अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस मीन्स यू आर अनकॉन्सियस अबाउट इट, आपको पता ही नहीं है। इसी तरह से बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, हो सकता है ना। तो ये जो आपका फर्स्ट फेज होता है ये अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस का होता है, मतलब आपके अंदर इनकॉम्पिटेंस है और आपको उसके बारे में पता नहीं है। अगर पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी में भी ह्यूमन बीइंग हैव गॉट ए नंबर ऑफ इनकॉम्पिटेंसेस अनलेस एंड अंटिल इट इज पॉइंटेड आउट बाय समबडी। बहुत सारा इस तरह का इनकॉम्पिटेंस हो सकता है। बताओ आप एग्जांपल। आप बताओ ऐसा एग्जांपल जो किसी के पास इनकॉम्पिटेंस हो सकता है। अच्छा, इन द करेंट सिनेरियो आई गिव यू वन एग्जांपल, स्पिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे थूकना, इट्स नाउ अ क्राइम, नाउ अ क्राइम। बट अभी थोड़े दिन पहले तक में ये लोगों को पता था, राइट? तो क्राइम है ये नहीं पता था, राइट? सो दैट वाज इनकॉन्सियस अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस। अब जब लोगों को पता चल गया है, कि ये थूकना इज ए क्राइम, तो क्या होगा, आप इसको ध्यान में रखोगे और आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस। किसी ने आपको बता दिया कि भाई अब अगर आप थूकोगे तो आपको 5,000 रुपए की फाइन लगेगी, है ना? यस सर। राइट, अब आपको पता चला है। पहले क्या था कि आपका जो इनकॉम्पिटेंस था उसके बारे में आप नहीं जानते थे, लेकिन अब जो इनकॉम्पिटेंस है उसके बारे में आप जानते हो। सो दिस इज कॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस, ठीक है? यस सर। अब जब आपको पता चल गया तो आप क्या करोगे, जब ये चीज आपको पता चल तो अब आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। यस सर। नहीं तो 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। यस सर। तो ये क्या होगा आपका कि आप हमेशा देखते रहोगे कि आसपास में कोई पुलिस वाला तो नहीं है, और तब वहां पे आप स्पिटिंग नहीं करोगे। लेकिन आपकी तो आदत है, जहां कोई नहीं दिखा तो अच्छा पहले तो स्पिट कर दिया, अरे रे नहीं करना चाहिए था, कहीं पुलिस वाला देख लेगा तो फाइन लग सकता है। ये जो आपकी कॉम्पिटेंस आई ये वाला कि आपको स्पिट नहीं करना है, यू आर स्टिल कॉन्शियस ऑफ इट। आपको जब याद रहता है तो आप नहीं थूकते हो, जब नहीं याद रहता है तो आप थूक देते हो। यस सर। ठीक है, तो पहला वाला मैं क्या था, आपको तो पता ही नहीं था, अनकॉन्शियस थे, बाद में आप कॉन्शियस हो गए अपने इनकॉम्पिटेंस के बारे में, आपको पता चल गया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि कॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो गया आपके पास, एंड देन जो नेक्स्ट फेज आपका आया वो था आपका अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हो गया, अब आपकी हैबिट हो गई, आप कहीं पर भी इधर उधर स्पिट नहीं करते हो। तो ये जो कॉम्पिटेंस की फेजेस होती है, एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटेंस, ये 4 फेज में होता है, एंड दीज आर द 4 different phases, अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस, ये वाला लिख लोगे ना, अनकॉन्सियस मैंने लिखा हुआ है। यस सर। अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस, दूसरा फेज का है कॉन्सियस इनकॉम्पिटेंस,
तीसरा फेज है कॉन्शस कॉम्पिटेंस, और चौथा फेज कौन सा है, अनकॉन्शस कॉम्पिटेंस। मतलब अब आप एक ऐसे फेज में आ गए हो जिस समय में कि आपके पास में ये कॉम्पिटेंस आपके लाइफ का एक पार्ट हो गया है। यस सर। स्पिटिंग के अलावा और एक एग्जांपल बताओ फटाफट, देन वी गो अहेड। ऐसा कोई इनकॉम्पिटेंस जो आपको लगता आपको पता नहीं था? आरती, आपको कार चलाना आता है? नो सर। कार चलाना नहीं आता है? अच्छा चलो, आपको आपको एक जॉब मिल गया बैंगलोर में, ठीक है, और जॉब जो मिला है वो 1.5 लाख रुपीस पर मंथ का जॉब है। जॉब करोगे नहीं करोगे? करेंगे सर। करोगे, ठीक है। yes. लेकिन जो जो घर से ऑफिस जाना है वो है 15 किलोमीटर। कंपनी आपको कार दे देगी लेकिन वो बोलेगी कि नहीं, कार तो हम आपको दे दे रहे हैं लेकिन ड्राइवर नहीं देते हैं। ड्राइवर नहीं देते हैं, आप क्या करोगे? सीख लेंगे सर। सीखोगे तो जब पहले पहले शुरुआत में सीखोगे ना तो आपकी नजर नीचे पैर की तरफ होगी, पता नहीं कौन सा लीवर क्या काम करता है। यस सर। होगा ना सारा ध्यान? तो पहले तो जब जॉब मिला तो आपको पता था कि मेरे पास, मुझे कार चलाना नहीं आता है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जॉब में जब आए तो कॉन्शियस हो गए कि यार अब तो सीखना पड़ेगा, दैट इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपका ध्यान बिल्कुल बिल्कुल उसी के तरफ है, गाड़ी की तरफ में। yes, sir, conscious, कभी कभी गलती भी करते हो तो आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस है, और चलाते चलाते क्या हो जाता है, आपको आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि पता चलता है कि कार में एक म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, एसी भी चल रहा है, हाथ भी इधर उधर घूम रहा है, एसी भी ऑन ऑफ कर लिया आपने, और गाड़ी भी बहुत अच्छे से चला रहे हो। दैट इज योर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इज इट ओके? शुड आई प्रोसीड? यस। ठीक है, ये चारों फेज का। चलो, ये कॉम्पिटेंस के बारे में मैंने बता दिया था आपको, कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स का। यहां पर एक मूवी का मैंने कुछ क्लिप लगाया हुआ है, मूवी पहचान सकते हो कौन सी मूवी है? नहीं, नो सर। अच्छा, एक्टर को पहचान सकते हो? ये एक्टर को, प्रभु देवा, ये एक्टर प्रभु देवा। क्लियर नहीं समझ में आ रहा कौन है सर। प्रभु देवा, प्रभु देवा तो डांसर है ना। मुकाबला मुकाबला गाना नाम ये अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन सर, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, अमिताभ बच्चन क्लियर। अच्छा, हमारी ये कौन है? नसरुद्दीन शाह। ये सचिन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन हीरो। नहीं पता सर। नहीं पता सर। यहाँ पर ये कैरेक्टर है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर कहाँ? शक्ति कपूर ये वाला डेड सर। एक भी पहचान में नहीं आ रहा है। चलो मैं और एक क्लू देता हूँ, यहाँ पर कितने एक्टर आपको दिख रहे हैं सर? एक, सारे एक्टर है सर। नहीं, नंबर कितने हैं? सेवन है, ठीक है। अब ये सेवन एक्टर्स, और ये है अमिताभ बच्चन, यहाँ पर शक्ति कपूर। अब फिल्म का नाम गेस करके बताओ। दे ऑल आर द ब्रदर्स। दे ऑल आर ब्रदर्स। आई थिंक सर अमिताभ बच्चन का डॉन मूवी।
अमिताभ बच्चन का डॉन मूवी, उसमें उसके सात भाई छह भाई कहाँ थे? डॉन मूवी दिस मूवी वाज सत्ते पे सत्ता। हम तो नाम भी आज सुन रहे हैं, नाम भी आज सुन रहे हैं। एंड द इंग्लिश मूवी दैट वाज सेवन ब्रदर्स एंड सेवन सिस्टर्स का रीमेक था ये। They used to live in this house. और इनके फैमिली में इन सात भाइयों के अलावा और कोई भी नहीं था। So they were very happy, and you can see that all of them, सबकी बियर्ड बड़ी हुई है ना? Yes sir. Yes sir. सबकी बियर्ड बड़ी हुई है, right? Yes sir. All are wearing some kind of dirty clothes. क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। Yes. तो अगर पर्सनालिटी की बात करें तो दे आर इन विच फेज ऑफ द पर्सनालिटी? पुअर, अनकॉन्शियस, इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस, इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी। यस सर। ठीक है, यस सर। ये देखो, नाउ आई कम टू दिस प्लेस। अब इसमें इसमें पहचान में आ रहा है एक्टर? यस सर। अमिताभ बच्चन। तो इसमें कौन सा फेज है? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। नहीं, कॉन्शियस कहाँ है? सेम फेज है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कपड़े तो साफ है सर इसके, पहले से साफ है, लेकिन बियर्ड नहीं, वो वैसे ही है। पैसे नहीं होंगे ना, लॉकडाउन चल रहा है। सो थ्रू आउट लॉकडाउन चल रहा था। यहां पर भी वैसे ही है, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। देखो, अच्छा ये वाला सीन किसी को याद है? देखी ही नहीं है सर। देखी नहीं है मूवी। अच्छा कल मैं इसकी क्लिपिंग निकाल के रखूंगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है ना? नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इज ही हैज गॉन टू मेक सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फ्रेंड। ये जो एक्ट्रेस है ना, एक्ट्रेस कौन है? हेमा मालिनी है। यस, तो इसके पहले वाले में आप देख रहे हो कि ये, अच्छा ये कौन सा एक्टर है सर? सचिन, अमिताभ, ये वाला। हिज नेम इज विजेंद्र। विजेंद्र और अमिताभ बच्चन का ये फ्रेंड है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये फ्रेंड अपना दुखड़ा रोता रहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई है। राइट। तो अमिताभ बच्चन क्या करता है कि उसे लगता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। अमिताभ बच्चन को लगता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके लिए प्रपोजल लेके जा रहा होता है, बड़े गुस्से में जा रहा होता है। तो यहाँ पर जब वो जा रहा होता है तब भी देखो इसका फेस क्या है। अगर पर्सनालिटी देखोगे वैसा ही है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस,
ठीक है राइट तो उसकी इसकी सारी बातें विजेंद्र घाटगे की गर्लफ्रेंड यहाँ सुन रही होती है देख ओ ये जब दोनों बात कर रहे हैं तो सुन रही होती है ठीक है यस सर लेकिन पर्सनालिटी की बात करोगे तो क्या है स्टिल अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस यस सर ठीक है ना इसे पता ही नहीं इसे पता ही नहीं है ये देखो अब जब इसने अपनी सारी बातें बता दी गुस्से में हेमा मालिनी को तो इसने अच्छा सा थप्पड़ मारा था ठीक है वो अच्छे सा थप्पड़ मारा था कि आई एम नॉट द सेम पर्सन और तब तक ये क्या है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का फेज है ओके सर नॉट क्लियर नाउ हियर द गर्ल कम्स एंड सेज एवरीथिंग बट सी इज सॉरी ये सॉरी फील करती है लेकिन तब तक के फेज में अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी कौन सी है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस ठीक है यस सर अब नाउ अमिताभ बच्चन वांट्स टू प्रपोज हर प्रपोज हेमा मालिनी ठीक है तो, नहीं दाढ़ी अभी भी है दाढ़ी तो इसकी अभी भी है तो प्रपोज करने के लिए वो क्या करता है कि इसने गिफ्ट दिया हुआ है तरबूज गिफ्ट दिया हुआ है तरबूज गिफ्ट दिया था सो अपनी इनकॉम्पिटेंस के बारे में इसे कुछ पता नहीं था देखो द इनकॉम्पिटेंस इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी अब इसने फूल भेज दिया स्टिल इनकॉम्पिटेंस अबाउट द हिज पर्सनालिटी कुछ कर दिया ठीक है अब उसे अपने घर पे बुला रहा है his brother is helping saying that is his उसका भाई बहुत बीमार है तो आप उसको चलकर देख लो तो she is going to the house अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस अब ये घर पे पहुंच जाती है इसे देख रहा होता है राइट इसने फॉल्स पट्टिया वटिया लगाई हुई है लेकिन तब ये इस समय में एट दिस प्लेस अमिताभ बच्चन प्रपोजेस हर तो जब प्रपोज कर रहा है अमिताभ बच्चन देन सी सेज कि प्रपोज करने से पहले अपनी शक्ल देखो कैसे दिख रहे हो आप ठीक है कैसे आप दिख रहे हो तो जब उसने बताया when she said all this then it reached to a phase that was the second phase of conscious incompetence इसके पहले तक यहां पर क्या था सब अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस था लेकिन जब इसने सारी चीज बताई कि अपनी शक्ल देखो कैसे लगते हो आप मिरर में देखो राइट बियर्ड है जंगली जानवर की तरह दिखते हो सो व्हेन ऑल दिस वाज टोल्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय द एक्ट्रेस तो इसे समझ में आता है कि यार मेरी पर्सनालिटी इज नॉट द राइट वन सो ही नॉट गुड सो ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज इनकॉम्पिटेंस इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी ठीक है दूसरा फेज ये उसके बाद क्या होता है ये
अपने फ्रेंड की शादी में यहाँ पहुंच जाता है एंड ही सेज दैट इज somebody has told him, कि आपकी दाढ़ी अच्छी नहीं है, आपके कपड़े अच्छे नहीं है, सो आई हैव मेड द चेंजेस. सो इन्होंने किसी के कहने पे चेंज किया, खुद से नहीं चेंज किया था, किसी के कहने पे चेंज किया था. तो जब आप किसी के कहने पे कोई बात करने पे चेंज करते हो, मतलब दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो यू आर कॉन्शियस ऑफ योर कॉम्पिटेंस. आपके अंदर कॉम्पिटेंस तो आया है, लेकिन यू आर कॉन्शियस ऑफ इट. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, कि मुझे लगा कि मुझे दाढ़ी चेंज करना चाहिए, मुझे कपड़े चेंज करने चाहिए, मुझे शूज चेंज करना चाहिए, लेकिन उसने खुद से नहीं किया था. सो ही वॉज कॉन्शियस ऑफ द कॉम्पिटेंस. एंड देन कॉन्शियस ऑफ हिज कॉम्पिटेंस एंड देन ही बिकम्स, दैट वॉज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो ही बिकेम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. ये देखो, ही चेंज्ड हिज लाइफ एंड इट वॉज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. तो ये जो आपके फोर फेजेस थे, दैट वॉज द स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटेंस. अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. यस सर. ठीक है, तो स्किल्स से आपके कॉम्पिटेंस, स्किल्स और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस है, और कॉम्पिटेंस के जो डिफरेंट फेजेस हैं, वो दीज आर द डिफरेंट फेजेस. सो आई ट्राई टू कनेक्ट इट विथ वन ऑफ द मूवी सीक्वेंस. यस सर. यही होगा तो आई विल शो यू द क्लिप ऑफ द मूवी. इज इट ओके सो फार? यस सर. यस सर. राइट. So when we talk about the external personality, you have got the appearance and dressing sense, which is outside, has nothing to do with the inside, right? Yes, appearance and dressing sense are the two basic category, right? What about internal personality? Internal is your communication skills, body language, soft skill. Soft they skills, all come in soft skill. Yes, sir. They all come in your soft skill. And internal personality and the external personality both becomes the total personality. Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. So, have you completed today's part? Any questions so far? No, sir. Yes, sir. Right? तो जो अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के बारे में मैंने लिखा था, जो मैंने पेन से लिखा था, वो आपको नहीं मिलेगा. वो वाली चीज आपको यहाँ पे इसमें मिलेगी. ठीक है ना? यस सर. हियर आर दोस फोर स्टेप्स रिटन आउट हियर. इज इट ओके? टुमारो व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू कंसोलिडेट व्हाटएवर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड. अभी तक तो बहुत सारी चीज कवर की है. कल हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू कवर अप, कंसोलिडेट की कौन कौन सा चीज कवर किया, कैसे उसको समझना है. ठीक है सर. सर यू डोंट ट्रस्ट दैट यू विल गिव द असाइनमेंट. व्हाट अबाउट दिस? आई गिव द असाइनमेंट टुमारो. आई पास ऑन सम ऑफ द असाइनमेंट्स. ठीक है. ओके सर. ये जो स्लाइड्स दिया है उसी से देंगे. अरे मतलब पेपर नहीं, मतलब पीडीएफ बना के तुम पेपर बोलेगी, पेपर में लिख के देगी सर. उसके लिए तो फिर यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा ना. नहीं सर, हम पीपीटीज का बात कर रहे थे. मार दी ने समझाना. ऑटो ले लेना आरती. ओके चलो. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके थैंक यू सर. थैंक यू सर.
थैंक यू मैथ थैंक यू कोई मैथ सर इस मैथ से चलो 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 भागो चलो चलो मोहन सर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मोहन सर मोहन सर मैं डिस्कनेक्ट कर दूं ना